महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में होंगे कार्य। महाकालेश्वर मंदिर परिसर का किया जाएगा विस्तार, बड़ा गणेश मंदिर से 24 खंभा माता मंदिर तक रास्ते का किया जाएगा चौड़ीकरण। वैष्णो देवी में भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर स्काई वॉक का कार्य शुरू, नवंबर तक काम पूरा होने की उम्मीद। और काशी के 120 मंदिरों का किया जाएगा जीर्णोद्धार, विदेशी सैलानियों के लिए होंगे विशेष इंतजाम। नमस्कार, सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं घृष्णेश्वर मंदिर की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से घृष्णेश्वर मंदिर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षण का काम जल्द ही किया जाएगा। इस पूरे कार्य में लगभग 15 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद है। मंदिर के बाहरी हिस्से पर ASI द्वारा काम किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में इस मंदिर के भीतरी हिस्सों की मरम्मत की गई थी। महाकालेश्वर मंदिर परिसर को खूबसूरत बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्गों को चौड़ा किया जाएगा। बड़ा गणेश मंदिर से 24 खंभा माता मंदिर के मार्ग को 12 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य को लगभग पूरा कर लिया गया है। वैष्णो देवी में आने जाने वाले भक्तों की सुविधा के लिए स्काई वॉक का कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे स्काई वॉक की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर होगी। एक बार में 6000 श्रद्धालु स्काई वॉक का इस्तेमाल कर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस काम को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। काशी आने वाले भक्तों को एक नई सौगात मिलने जा रही है। इसके अंतर्गत काशी में मौजूद 120 पौराणिक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इन मंदिरों के अलावे प्राचीन कुंड, तालाब, घाट आदि का विकास भी किया जाएगा। लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को 2023 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य से काशी में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। कानपुर के परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। कानपुर स्मार्ट सिटी के तहत 6 करोड़ रुपए की लागत से आनंदेश्वर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में 6 महीने का वक्त लगेगा। पूरे कॉरिडोर को 3 चरण में बनाया जाएगा। इसके साथ ही नित्य गंगा आरती के आयोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। उज्जैन स्थित बाबा महाकाल मंदिर में अब भक्तों को प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाएगा। दीनदयाल रसोई केंद्र के द्वारा ये सुविधा भक्तों को दी जाएगी। प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले भोजन के लिए भक्तों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।